हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। और आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सीरीज देने वाला हूं, जो कि आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन जो 2023 वाली वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर ये सीरीज रहेगा। और इसमें ये सीरीज का नाम रहेगा टारगेट एएलपी 2023। और ये सीरीज का आज मैं फर्स्ट पार्ट देने वाला हूँ। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम जो विज़िट कर रहे हैं, जो भी एलपी की तैयारी कर रहे हैं एलपी और टेक्नीशियन की, उन लोगों के लिए मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि ये आपका सीरीज जो फर्स्ट टाइम देखेंगे उन लोगों को, तो जो फर्स्ट टाइम ये सीरीज़ देखेंगे उन लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अभी जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है एज़ पर 2018 वैकेंसी, मैं सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपका कहीं भी गलती हो जाता है तो आपको फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट होगा। और आपका इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कवर हो जाएगा, जैसे कि आपको सारा आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कैसे कैसे स्टेज में एग्ज़ाम होंगे, कितने टाइम्स आपका सलेक्शन होगा, सारा कुछ। तो आज का वीडियो यही होने वाला है। और आपसे मैं डेली सीरीज़ के पार्ट वन शेयर किया हूँ, तो पार्ट टू शेयर करूँगा। तो आपको बहुत ही सारा इन्फॉर्मेशन आगे मिलने वाला है और कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो आज से सीरीज स्टार्ट होता है और अभी चलिए शुरू करते हैं। बात बताना चाहता हूँ कि ये मैं सीरीज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एक पूरा पर्टिकुलर स्टार्टिंग से लेकर के पूरा लास्ट तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या कैसे करना है तैयारी। और जो भी तैयारी नहीं करना स्टार्ट किया है वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2023 में वैकेंसी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है और हर 4 इयर्स में वैकेंसी देखा गया है, तो मैक्सिमम चांस है कि 2023 में वैकेंसी आ जाएगा। और आपको तैयारी अगर अभी से नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा आगे, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और कुछ तो मेरी जो वैकेंसी आई थी 2018 वाली, वो आपका फरवरी मंथ में देखा गया था, 3 फरवरी को मतलब आया था आपका वैकेंसी, तो उसके हिसाब से 1 मंथ का टाइम दिया गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए। और देखिए उस समय फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका 2 मंथ्स हम लोगों को टाइम दिया गया था कि फर्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम ले लिया, एज आपका 28 ईयर्स कर दिया गया था, तो इसके वजह से बहुत सारे स्ट्राइक हुए थे, क्योंकि बहुत लोग जो मतलब सीनियर मोस्ट जो तैयारी कर रहे थे उन लोगों का एज पार होने के चलते उन लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो इसके चलते कुछ महीने एक्सटेंड कर दिया गया था एलपी फर्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम लेने के लिए। और एलपी फर्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था, मगर इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, देखिएगा 2 मंथ सफिशेंट होगा। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा जब एलपी का फॉर्म आ जाएगा तो, और उसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, इसलिए अभी से तैयारी कर लिया। और अब मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं, तो देखिए फ्रेंड्स, और जो भी क्वेश्चन पूछते हैं बार बार उनका भी मैं आंसर देने वाला हूं। तो देखिए जो भी मतलब अभी जिनका रनिंग है, जैसे कि जो भी ITI डिप्लोमा या BTEC कर रहे हैं और वैकेंसी के पहले अगर उनका कंप्लीट नहीं होता है तो आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी से पहले यहाँ लिख दिया गया है, मतलब 2018 में लिख दिया गया था कि आपका वैकेंसी आने से पहले तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं ITI डिप्लोमा या BTEC। अगर आपका वेटिंग में रिजल्ट है, मतलब वेटिंग मतलब आने वाला रिजल्ट है, तो आप ये फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यहाँ पे साफ लिखा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर वैकेंसी आने तक अगर आपका फॉर्म मतलब आपका जो कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो फ्रेंड देखिए 2018 वैकेंसी में क्या हुआ था कि आपका उससे पहले जब वैकेंसी निकलती थी तो उसमें क्या होता था कि एक कैंडिडेट मोर देन 1 बोर्ड में फॉर्म फिलअप कर सकते थे, मतलब 5-6 जितने भी फॉर्म डाल सकते थे हर बोर्ड में अलग अलग। लेकिन इस बार से वैकेंसी में क्या किया गया था 2018 से कि आपका एक कैंडिडेट एक ही बोर्ड में फॉर्म भरेगा, आपका दूसरे बोर्ड में अगर एक ही कैंडिडेट 2 बोर्ड में फॉर्म भर देता है तो उसका कैंडिडेचर मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये था। तो
तो आप समझ लीजिए कि आपको एक ही बोर्ड में फॉर्म भरना के चांस मिलेगा। और पहले क्या था 2018 के पहले 2014 वाला वैकेंसी में कि आपको मोर देन वन बोर्ड में फॉर्म भरने का मौका मिलता था। तो इससे क्या होता था कि हर एक बोर्ड में रिजल्ट नहीं होता, दूसरे बोर्ड का एग्ज़ाम दे करके रिजल्ट निकाल लेते थे बहुत सारे लड़के लोग। लेकिन अभी एक ही बोर्ड में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसी बोर्ड से आपका सिलेक्शन लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, बहुत लोग सोचते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन भर के एग्ज़ाम दे देते हैं तो उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आगे आपका कैंडिडेचर मतलब रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। आपका पूरा एडुकेशनल क्वालिफिकेशन चेकिंग होता है, तो इसमें बहुत आपको एकदम सावधानी से फॉर्म भरना पड़ेगा। जब भी वैकेंसी आएगी 2023 में, तो आप ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। और जो भी फॉर्म भरेंगे उनका, जिस पोस्ट के लिए भी वो फॉर्म भरेंगे, सपोज़ कि आप ALP के लिए फॉर्म भर रहे हैं और टेक्नीशियन के लिए भी, तो अगर आपका ALP बनना है तो आपका जो विजन सर्टिफिकेट है 6x6 होना चाहिए, और आपका A1 कैटेगरी का मेडिकल मतलब लिया जाता है तो उसमें आप फिट होना चाहिए, तभी आपको उस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आपको वहीं पे बाहर कर दिया जाएगा। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर ALP का तैयारी आप कर रहे हैं, अगर आपका आई 6x6 विजन नहीं है तो आप तैयारी मत करिए, क्योंकि अगर आपको मेनली क्या हुआ कि जब आप CVT2 दे देंगे और अगर आप टेक्नीशियन का कटअप पार कर चुके हैं और अगर आप साइको देने जाते हैं तो आपका विजन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और विजन सर्टिफिकेट में 6x6 अगर नहीं रहेगा तो आपको अंदर एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जाएगा, साइको एग्ज़ाम जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, और अगर आपका टेक्नीशियन कटअप पार है और आपका आई 6x6 विजन नहीं है तो आप आराम से टेक्नीशियन में ज्वाइन करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो सैलरी के बारे में बात करते हैं, तो आपका सिलेक्शन Level 2 में सिलेक्शन होगा, और इसमें आपको बेसिक 19,900 देखने को मिलेंगे, और इसमें जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है, डियरनेस अलाउंस है, सब सारा एड उड करके आपको बाद में दिया जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपको DEA और बेसिक मिलता है, उसके बाद आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे जब आप एज ALP या टेक्नीशियन कहीं ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सारे, ये समझिए कि आपका Level 2 एक मतलब आपका एक क्लास है जिसमें आपको पेमेंट दिया जाएगा इस लेवल के। और 2018 वाले वैकेंसी में देखा गया था कि बहुत लोगों का मतलब एज जो पहले निकाला गया था वो मिनिमम जनरल कैश था 18 to 28 ईयर्स, और उसके चलते बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, क्योंकि बहुत सारे जो बहुत सीनियर है जिनका एज पार कर गया था 2018 मतलब 28 साल से जिनका एज पार कर गया था, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके चलते स्ट्राइक वगैरह हुआ था, तो उसके चलते एग्ज़ाम भी डिले हुआ था CVT 1। तो समझिए कि आपका इस बार वैकेंसी जो आने का चांस, मतलब इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें आपका मिनिमम एज 18 to 20 ईयर्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले 2018 में ही 28 ईयर्स कर दिया गया था जनरल का। तो देखिए क्या होता है वैकेंसी, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा क्या एज लिमिट रखा जाएगा जनरल का। और जो आपका मेनली एग्ज़ाम होगा, स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम, वो आपका CVT 1 और CVT 2, उसके बाद आपका साइको एग्ज़ाम होगा, तो आपका 3 एग्ज़ाम होने के बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो समझिए कि आपका CVT 1 आपका जो एग्ज़ाम होंगे वो 75 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, और उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और आपका इसमें ड्यूरेशन 60 मिनट्स रहेंगे। मिनिमम आपका कट ऑफ रहेगा ST SC और OBC का और जनरल का, तो उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आप समझिए कि CVT 1 जो एग्ज़ाम रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें मेरिट आपका नहीं बनेगा इस एग्ज़ाम से, मेरिट आपका CVT 2 एग्ज़ाम से बनेगा जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी सेक्शन रहेंगे। तो आपका फ्रेंड्स, पार्ट ए में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मतलब आप जब CVT 1 पास कर लेंगे तो आपको फिर से मतलब बोर्ड सेलेक्शन करवाया जाएगा। टोटल 21 RRB बोर्ड है, तो उसमें सब एक ही RRB बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसी में आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके बाद सपोज़ कि आप जब फॉर्म निकलता है तो आपको सिर्फ कोई भी बोर्ड से आप फॉर्म भर दीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता हो, लेकिन जब आप CVT 1 क्वालिफाइंग कर जाएंगे तो आपको फिर से प्रेफरेंस पूछा जाएगा, और वही प्रेफरेंस आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका जिस भी RRB बोर्ड में फॉर्म भरेंगे वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका उसी में सिलेक्शन होगा, सारा कुछ उसी में होगा। तो आप सोच समझ कर ही बोर्ड का फॉर्म, सोच समझ के ही बोर्ड को सेलेक्ट करिएगा कि कौन से बोर्ड में मैं जाना चाहता हूँ। ज़्यादा दूर अगर भर देंगे तो अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो बाद में आपको एक ही क्राइटेरिया रहेगा घर आने का, वही म्यूचुअल ट्रांसफ़र, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है।
तो आप सोच समझ कर ही बोर्ड को सेलेक्ट CBT 1 पास कर लिए, तो आपका जिस भी RRB बोर्ड में भरते हैं वहाँ पे सपोज 1000 सीट है, तो आपका 15000 स्टूडेंट का उस बोर्ड में सिलेक्शन लिया जाएगा CBT 2 के लिए एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स, आपका CBT 1 और CBT 2 में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, बट CBT 2 के पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और CBT 2 पास करने के बाद आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया जाएगा, इसको कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, ALP जो बनेंगे वो ये एग्ज़ाम में दे पाएंगे, क्योंकि साइको एग्ज़ाम होता है, इसमें आपका ब्रेन पावर चेक किया जाता है कि आपका कितना याद आपका कितना जल्दी कोई भी चीज़ को याद कर सकता है और जल्दी डिसीजन ले सकता है। इसलिए मेनली एग्ज़ाम लिया जाता है, क्योंकि आप सबसे आगे लीडिंग में रहेंगे, आप वर्किंग करेंगे, तो आपको जल्दी जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करना है, तुरंत को एक डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ सेकंड में अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो इसलिए ऐसा एग्ज़ाम लिया जाता है साइको एग्ज़ाम, आपका माइंड पूरा एकदम अच्छा से उस एग्ज़ाम को देने के पहले पूरा फ्री रहना चाहिए और फुल कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए एग्ज़ाम में, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एग्ज़ाम इजी भी है और टफ भी है, अगर आपका माइंड पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन एग्ज़ाम में है तो आप एकदम इजीली ये निकाल लेंगे, और अगर आप कहीं भी चूक आपका कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो आपका सारा एग्ज़ाम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब कॉन्सेंट्रेशन वाला एग्ज़ाम है साइको एग्ज़ाम। तो इसको अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी करिएगा, बाद में इसके बारे में बाद में डिस्कस कर देंगे अभी। और देखिए, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं डिस्कस करना चाहता था, जो कि टारगेट LP 2023 इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट 1 का ये वीडियो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, तो ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और भी कुछ मैं सारा इन्फॉर्मेशन A to Z शेयर करूँगा, तो ऐसे ही सारा इन्फॉर्मेशन आते रहेगा। और 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो 26,000 वैकेंसी थी, तो 2014 में भी इतना ही वैकेंसी देखा गया था, तो 2023 में भी एक्सपेक्टेड है कि इससे कम तो वैकेंसी नहीं आना चाहिए। भी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपके साथ तुरंत शेयर करूँगा, और अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके भाई के चैनल को जल्दी मान के पहुँचाना है। तो अगर तो मिलते हैं जल्दी कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि आपका एक सीरीज स्टार्ट हो चुका है LP टारगेट LP 2020 सीरीज, जिसका पार्ट 1 आज आप लोगों के सामने वीडियो आया है। फिर नेक्स्ट टारगेट LP 2023 पार्ट 2 वीडियो आएगा, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आते रहेगी। से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।